class, how are you? Today I am going to explain to you unit 5, changing state, topic 3, water cycle. First of all, fill in the blanks. Blank number 1, the energy to drive the water cycle comes from sun. Water cycle ko chalne ke liye jo taakat hai wo sun se hasil hoti hai. You can see in this diagram the water cycle. Pani ka chakar jo ke बारिश से स्टार्ट होता है, बारिश का पानी जो है वो दरियाओं में, लेक में और समंदर में बढ़ता है, फिर सैटेलाइट से जो है उसकी वेपोरेशन होती है, वाटर वेपर्स बनकर धुआं बनकर ऊपर की तरफ उठता है हवा में और फिर ऊपर जाकर दोबारा रात में आता है और फिर देन अगेन जो है वो बारिश की शक्ल में बरसता है और इस तरह से कि वाटर साइकिल जो है वो चलता रहता है और इसको एनर्जी जो है वो सूरज से हासिल होती है. सूरज ही जो है वो प्रोवाइड करता है जिससे वाटर जहाँ कहीं भी अर्थ में मौजूद है वो वाटर वेपर्स हीट में कन्वर्ट होकर धुएं में, हीट से धुएं में कन्वर्ट होता है और फिर जाकर बातें बना के पानी करके बचता है. नाउ ब्लैक नंबर 2, पीपल लिव वेयर दे गेट वाटर. लोग वहाँ पर रहना पसंद करते हैं, वहीं पर रहते हैं जहाँ पर उनको पानी मिलता है. नंबर 3, वाटर वेपर राइजेस इनटू द एयर. एज आई सेड कि वाटर वेपर्स जो हैं और पानी के जो बुखारात हैं वो हवा में ऊपर की तरफ उठते हैं. नंबर 4, वी हैव सर्टेन अमाउंट ऑफ वाटर हमारे पास जमीन में पानी की कुछ मिकदार मौजूद है. नंबर 5, द वाटर शाइन द सन शाइन ऑन द ओशन. सूरज जो है वो समुद्र के ऊपर चमकता है. नंबर 4, नंबर 1, वी मस्ट ब्यूट द वाटर. इट इज रॉन्ग, इट्स फॉल्स. हमें पानी को गंदा नहीं करना चाहिए. नंबर 2, रेन फॉल्स फ्रॉम द एयर. इट्स ऑल्सो फॉल्स. नंबर 3, इरीगेशन मेक्स क्रॉप्स ग्रो अ लॉट बिगर. इरीगेशन जो है वो यानी कि पौधों को जो हम पानी फसलों को आर्टिफिशियल तरीके से देते हैं उससे जो है फसलें अच्छे तरीके से उगती हैं. तो ये जो है नंबर 4, द एरॉल सी वॉज नेचुरल रिजर्वियर. एरॉल सी जो समुद्र है ये कुदरती पानी के का जहरीला है. इट्स ट्रू. फोर्थ क्लास, आपने इन ब्लैंक्स के मीनिंग को नोट करना है और उसमें डन करना है और अपने नोटबुक पर लिखना है. दिस इज योर होमवर्क.